हेलो गाइस, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी चैनल। माय नेम इज प्रीत शाह। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेंथ में अगर आपने टेंथ के बाद आपने साइंस ले लिया तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आपको क्या एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। सबको इतना तो पता है कि जेई जेई कुछ होता है ट्वेल्थ के बाद या ट्वेल्थ के पहले जब भी होती है एग्जाम, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो टेंथ के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक होता है पीसीएम और पीसीबी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसके ऊपर आज हम स्पेशली फोकस करने वाले हैं, पीसीबी पे एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका एक कंटिन्यूएशन, ये पार्ट वन है। पार्ट टू में आपको पीसीबी के बारे में पता चलेगा। पीसीएम होता क्या है? पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो हम लोग ने एक सेक्शन बनाया व्हाट टू स्टडी इन 11th 12th। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट हमने रखी है पूरी, तो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तो तीन कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आप कुछ भी कर लो ये तीन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके साथ एक और कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश। ये चार कंपल्सरी सब्जेक्ट है, टोटल आपके ना छह सब्जेक्ट होते हैं, टोटल आपके छह सब्जेक्ट होते हैं 100-100 मार्क के। तो टोटल आपके जो ट्वेल्थ की एग्जाम होगी वो करीब करीब 600 मार्क की होती है, 650 मार्क्स की होती है मोर प्रिसाइज, जिसमें आपको 50 मार्क्स का एक ईवीएस सब्जेक्ट रहता है जिसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा 50 मार्क का, वो आपको 50 मार्क दिलवा देगा और वो कॉलेज फ्री में देते हैं मार्क्स, उसका कोई टेंशन नहीं है। मेन जो होता है छह सब्जेक्ट होते हैं 100-100 मार्क के, जिसमें सबसे पहला होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, चौथा कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इसके बाद ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑप्शंस में क्या लेते हैं, कंप्यूटर साइंस जो अकेला 200 मार्क का सब्जेक्ट है, इसमें दो पार्ट होते हैं CS1 एंड CS2। तो ये अकेला 200 मार्क का सब्जेक्ट है, तो टोटल आपके छह सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर आप ये नहीं लेते हो तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, बायोलॉजी हिंदी ले सकते हो, बायोलॉजी हिस्ट्री ले सकते हो, बायोलॉजी ज्योग्राफी ले सकते हो, या तो साइकोलॉजी ज्योग्राफी, साइकोलॉजी हिस्ट्री, साइकोलॉजी हिंदी। तो बायोलॉजी या साइकोलॉजी में से आपको एक लेना पड़ेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी में से आपको एक लेना पड़ेगा। अब मेरा जो प्रेफरेंस है, अगर आप ट्वेल्थ के बाद कंपलसरी टेक फील्ड में जाने वाले हो, मीन्स इंजीनियरिंग में जाने वाले हो, जहां पे आपको घूम फिर के CS ITI कोई भी ब्रांच में से करना पड़ेगा, तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाने की जो लैंग्वेजेस होती है, जो कंप्यूटर से बातचीत करने की लैंग्वेजेस होती है, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका इन डिमांड में फ्यूचर में बहुत स्कोप आने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इसको आपके करिकुलम में ऐड कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस उससे डील करता है 200 मार्क का। मेरा प्रेफरेंस, अगर घूम फिर के आप इन CS ITI EXTC या कोई भी इनमें से जाना चाहते हो तो आप कंप्यूटर साइंस ही लो। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली दूसरों से, बट आपको ये चार साल जो इंजीनियरिंग के होते हैं उसमें आपको 1.5 से 2 साल ये सब्जेक्ट मदद करेगा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। 11, 12 तो पढ़ लिया, बट 11, 12 पढ़ते क्यों है, इंजीनियरिंग में घुसने के लिए। इंजीनियरिंग में घुसने के लिए ना सिर्फ 12th काम नहीं आता है, हमारा ये कॉमर्स जैसा या आर्ट जैसा नहीं होता कि 12th कर लिया और हम आगे चले गए, इधर ऐसा नहीं होता। आपको 11, 12 तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको एक और चीज का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो है एंट्रेंस टेस्ट। अब हर क्लासेस सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कराती है आपको, ये तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे तो ये तो साथ साथ में कवर होते जाएगा। आपको बोर्ड के पहले 2-3 महीने की छुट्टी दी जाती है क्लासेस से, जब आप एंट्रेंस टेस्ट को बिल्कुल टच नहीं करते, आप सिर्फ स्पेशली इसके ऊपर फोकस करते हो। अब जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि 112th में भी बहुत अच्छा परसेंटेज आना चाहिए अगर आपको आगे साइंस में कुछ करना है, ऐसा नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट जो आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे ना, उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको क्लियर करना पड़ता है। जैसे जेईई का जो क्राइटेरिया होता है वो है 75% का, MHT CET का है 60-65%, BITSET का भी 70-75%। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो अपने 12th में तो आपका काम हो गया, उसके बाद उस 12th के मार्क्स का कुछ मतलब नहीं रहेगा। सारा गेम फिर एंट्रेंस आपके आपके एडमिशन में इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें जो मैंने कट ऑफ बताया उसमें एक और चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, यहां पे होता है रिजर्वेशन। तो अगर आप रिजर्वेशन क्लास से हो, SC OBC ST जो भी रिजर्व्ड जिनको एडवांटेजेस है उनके लिए कट ऑफ अलग होता है, जैसे जेई में उनके लिए 50 का ही कट ऑफ होता है और एंट्रेंस के मार्क्स में भी डिफरेंट कट ऑफ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो मेन एंट्रेंस टेस्ट होता है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम इसका फुल फॉर्म है, ये आपको कहां एडमिशन दिलाएगा, या तो ये IIT में दिलाएगा या तो NIT। सबने IIT NIT के बारे में सुना है, सबको लगता है कोई भी पहुंच सकता है वहां पे, कोई भी नहीं पहुंच सकता। पासिंग प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 से 0.5 0.6 की प्रोबेबिलिटी रहती है, कि मतलब 100 में से 0.5 0.6 बच्चा पास होगा। कैसे, आप खुद ही सोच लीजिए, जेईई की जो एग्जाम होती है उसमें हर साल नहीं नहीं करके भी 15 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से IIT NIT में सीट से हजारों की सीट है।
तो उनपे भी आपको रिजर्वेशन के साथ कम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि ओपन के लिए थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एक पॉइंट तो है, बट ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। हर साल लोग एग्जाम देते, हर साल मेंस एडवांस क्लियर होती है और लोग जाते हैं। अब थोड़ा है ना, इनके प्रोसेस चेंज हो चुके हैं, फ्यूचर्स है। पहले जो होता था ना, मेंस का आज से 3-4 साल पहले एक ही अटेम्प्ट मिलता था आपको, अगर आप एक अटेम्प्ट में पास हो गए तो आप एडवांस बैठ सकते हो। हाँ, ये ध्यान से सुनना, पहले मेंस क्लियर करना पड़ेगा तभी आप एडवांस बैठ सकते हो। अगर ये दोनों साथ में नहीं होती एग्जाम, पहले मेंस क्लियर करो फिर एडवांस में बैठो। तो पहले क्या होता था कि एक ही मेंस का अटेम्प्ट मिलता था जो अप्रैल के महीने में आता था, और फिर एडवांस का अटेम्प्ट आता था मई में। बट अब सरकार ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब आप मेंस के 4 अटेम्प्ट दे सकते हो। पिछले साल तक तो 2 ही थे, पिछले साल तक तो 2 ही थे, अब 4 अटेम्प्ट कर दिए इसके। एक होता है जैन में, दूसरा होता है फेब में, मार्च अप्रैल में 4 अटेम्प्ट आपके होंगे। ये एग्जाम कितने मार्क की होती है? 300 मार्क की होती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट में इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, आपको एक क्वेश्चन है आपने उसको सॉल्व किया और उसका आंसर आपको गलत आया और आपने मार्क कर दिया, तो उसका आपको -1 मिलेगा। बट आपका वो सही हो गया तो उस पर आपको +4 मिलेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग ऐसे चलती है। अब इसमें जो क्वेश्चन रहता है ना, वो पर सेक्शन के 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से ना 20 पे नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग रहती है और 5 आपके होते हैं जिनपे कोई नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग नहीं होती। उसमें आपको इंटीजर चॉइस क्वेश्चन होता है। वो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ऐसे 9 डब्बे बना के दिए रहेंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहता है। तो आपको बस इसी में से कुछ आंसर आता है जिसपे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें से जो भी आएगा वो डब्बे को आपको सर्कल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, जिनकी तुक्का मारने की शक्ति अच्छी होती है वो यहाँ पे आपसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो सब तुक्का मार जाएंगे, कौन छोड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये 4 अटेम्प्ट करने के बाद कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आप मेंस क्लियर करते हो और आप एडवांस क्लियर नहीं करते हो, तो आप NIT के लिए तो एलिजिबल हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो, जो IIT से 1 रैंक नीचे रहती है। ऐसी नहीं है, कुछ नई IITs जो हर साल कोई ना कोई नई IIT ऐड होती है, पर जो कुछ नई IITs रहती है उनकी रैंकिंग काफी नीचे होती है कंपेयर टू कुछ टॉप NITs। तो अगर आप देखने जाओगे ऑल ओवर इंडिया की जो करंट रैंकिंग है, उसमें आपको पहले 6 IIT मिलेगी, फिर 4 NIT मिलेगी, और उसके बाद नीचे IIT वापस आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सर IIT नहीं मिली तो जिंदगी खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। NIT भी उतनी ही अच्छी है जितनी IIT है, सिर्फ नाम अलग अलग है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंस दोनों की ही सेम है। ठीक है, अब एडवांस की बात करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं। अभी कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ सबके लिए अलग होता है। अगर आप ओपन ब्रांच से हो तो आपका जो होता है वो 86-87 परसेंटाइल होता है। तो ये परसेंटाइल बेसिस पे आता है, पहले इसके मार्क्स बेस कट ऑफ होते थे, अब ये परसेंटाइल। तो मैं आपको अगर अप्रोक्सीमेट मार्क्स बता दूं ना, तो 300 में से आपको 70-75 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे। सर इतना कम, इतना तो 10वीं में आया भी नहीं, 10वीं में तो आता तो फेल गिनाते हम। इधर ऐसा नहीं होता, इधर टॉपर को भी 200-250 ही आता है। हाँ, अभी आजकल के तो देखा है कि 300 भी लोग स्कोर करते, बट सब इतने होशियार नहीं होते। नॉर्मली अगर आपको अच्छी NIT भी पहुंचना है ना, तो आप 300 में से 150-160 भी लाओगे ना, तो भी आप अच्छी NIT पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इधर इतने मार्क्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 99% आना चाहिए, मतलब 300 में से 296 292 इतना मार्क्स आएगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ये हो गया अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया। ये कट ऑफ सबके लिए अलग अलग होता है, ओपन के लिए 86% है, फिर OBC के लिए उससे कम, ST के लिए उससे कम, वगैरह वगैरह ऐसा रहता है। ये क्लियर करने का तो आपको एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट इसको क्लियर करने से आपको NIT में एडमिशन की गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसमें फिर कट ऑफ कॉलेजेस के कट ऑफ आते हैं। तो मतलब आपको मान लो आपको 86% कट ऑफ है और आपको 86% ही आता है, तो आप सोचना मत कि आपको NIT मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ थोड़े हाई रहते हैं NIT के। फिर आपको एडवांस के एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई मैं एडवांस दे सकता हूँ। अब एडवांस का मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं लिखा है, कि उसका कुछ पैटर्न होता ही नहीं है, कभी भी अपने हिसाब से आता है। जिस NIT के हाथ में IIT नॉर्मली ये सारे पेपर IIT सेट करती है, तो जो IIT के हाथ में रहता है वो एडवांस का मार्क्स डिसाइड करती है। कभी 370 मार्क का आ जाता है, कभी 340 मार्क का आ जाता है, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा कुछ पता नहीं रहता। सिर्फ इसका एक चीज आपको मालूम होगा कि भाई ये 6 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का सेक्शन 1 से 3 घंटे का सेक्शन 2, बस इतना इसका बारे में सबको पता रहता है। पेपर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता रहेगा। ये आप अगर ना जब प्रिपेयर करोगे ना, तब पिछले पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ ये कैसे होती है एग्जाम। इसके बाद अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो,
तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, MHT CET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर ये आप दे देते हो तो आप महाराष्ट्र के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाओगे। ये कितने मार्क की होती है? 200 मार्क की एग्जाम होती है। ये सारी अभी पेपर राइटिंग एग्जाम नहीं है, ये सारी आपको सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ेगी। पहले 2-3 साल पहले ये पेपर पे होती थी एग्जाम, अभी कुछ पेपर पे नहीं होता, सारा ऑनलाइन ही होता है। 200 मार्क का रहता है, 100 मार्क मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। क्वेश्चन कितने आते हैं? 150। तो मैथ्स मेरा 50 क्वेश्चन रहता है और उसके 2 मार्क रहते हैं, बाकी इनके 50 इंटू 1। ये कंपैरेटिवली ना इनसे बहुत इजी एग्जाम होती है, बट यहाँ पे अलग तुम्हारा चैलेंज है स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको ये इजी इतनी हार्ड लगेगी कि आपकी बैंड बच जाएगी। यहाँ पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा है कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो सम तो सही करके आते हैं बट उनको टाइम बहुत लग जाता है, तो वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई सम भले ही हम 19-20 करके आते हैं बट हमारी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कम होती है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है BITSET। तो BITS करके इंस्टीट्यूट होती है जो ऑल ओवर इंडिया 3 है और एक दुबई में। तो एक BITS पिलानी है, एक BITS हैदराबाद है, एक BITS गोवा है, और वो तो पूरी बीच के सामने है। सुबह इंजीनियरिंग में करो, शाम को बीच पे घूमो। तो BITS गोवा ऐसी है और एक BITS दुबई है। तो BITS के कैसे एग्जाम होती है? इसमें ना इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश और LR क्या होता है? LR होता है लॉजिक रीजनिंग, मतलब आपको थोड़ा लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये थोड़ा ये होती है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्लैश बायो क्यों लिखा कि अगर आपको फार्मेसी करनी है तो BITSET में आपको मैथ्स नहीं लोगे चलेगा बट बायोलॉजी देना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये दोनों में से स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है +3 -1 की, क्वेश्चन सही किया तो +3, नहीं किया तो -1। यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जिनकी इंग्लिश वीक होती है ना वो यहाँ पे थोड़ा नीचे चले। ये भी एग्जाम कंपेरेटिवली जेई से इजी होती है। फोर्थ इज मैनी मोर, मतलब बहुत सारी ऐसी एग्जाम होती है, VIT की एग्जाम होती है, मणिपाल की एग्जाम होती है, प्रोफेशनल लवली यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ऑल इंडिया में और उन सबकी खुद की एग्जाम होती है, NMIMS की खुद की एग्जाम होती है। ये सारी एग्जाम्स की आप उनके साइट पे जाके देख सकते हो। बट मेजोरिटी मैंने देखा है जितना ट्रेंड है महाराष्ट्र के बच्चे ये 3 के अलावा कोई दूसरी एग्जाम नहीं देते। अब ये हो गया, एंट्रेंस हो गया, 12th हो गया, मार्क्स आ गए, अब क्या? अब एडमिशन की बारी। तो एडमिशन में ना कंफ्यूजन क्या होता है कि सर हमने 11th 12th में तो हमको हमारे इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चला कि हमको इंजीनियरिंग कौन सी लेनी चाहिए। इंडियन ट्रेंड के हिसाब से मैं बोलूं तो इंडिया में एक इंडस्ट्री चलती है इंजीनियरिंग के बाद है, वो है IT इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है दूसरी नहीं चलती है, चलती है, ऑफकोर्स चलती है, बट मेजोरिटी जो है वो IT है। तो IT की कुछ ब्रांचेस के बारे में बताता हूं कि ये ब्रांचेस आपको अच्छी IT कंपनीज जैसे टाटा है, इंफोसिस है, ये तो इंडिया की हो गई, बाहर की एक्सेंचर, कैपजेमिनी, गूगल, फेसबुक, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप इन ब्रांचेस से होंगे तो। अब है पहली ब्रांच है CS या IT, एक इसको ना इंजीनियरिंग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक IT सेक्टर की चीज है, एक कोर सेक्टर की चीज है। तो IT में क्या क्या आएगी आपकी? कंप्यूटर साइंस CS, ये जो कंप्यूटर साइंस है ना इसी को एक बड़ा वर्जन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो पढ़ोगे ना ये एक समझो इंट्रोडक्शन टाइप है, फिर इसी को आपको 4 साल में पढ़ना है, इंजीनियरिंग होती है 4 साल की, बराबर। फिर होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिमिलर है, थोड़ी अलग होती है, एक आध दो सब्जेक्ट का फर्क होता है। IT EXTC IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब CS और IT में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि CS में आपको सॉफ्टवेयर भी पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर भी पढ़ना पड़ेगा, बट IT में ऐसा नहीं, IT में सिर्फ सॉफ्टवेयर चलता है। EXTC सॉफ्टवेयर मीन्स बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, वो सब होता है। EXTC होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत आपको प्रोग्रामिंग के साथ डील करना पड़ेगा। फिर EXTC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स, आपको एम्पलीफायर, जनरेटर वगैरह जो है उसके रिलेटेड होता है। टेलीकम्युनिकेशन तो बेसिकली जो वेव्स होती है, आपको एंटीना के बारे में पढ़ाई वो यहाँ होती है। ETRX भी वही सर्किट ब्रांच है एक तरह से, इलेक्ट्रिकल भी एक सर्किट ब्रांच है। ETRX मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रिकल। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सबने नाम कहीं ना कहीं सुना रहेगा, इंडिया ने उस पर इंजीनियरिंग बना दी है, उसका नाम रखा है AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ये नहीं है, ये साल से ही आई है इंजीनियरिंग, पर लोग है ना इसको नेग्लेक्ट करते हैं। पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपको इनमें से अगर ये मिल रहा है तो ये लेना पहले, क्योंकि इसका जो स्कोप है ना वो अल्टीमेट स्कोप है, ये तो सारी फीकी पड़ जाएगी इसके सामने। फिर कोर में जिनको प्रोग्रामिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको कंप्यूटर साइंस में मजा नहीं आया,
उनके लिए ये ब्रांचेस भी अवेलेबल है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, बायोमेड, बायोटेक। तो मैकेनिकल ये सारी कोर ब्रांचेस है। इसका एक आपको थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि अगर आप इन इंजीनियरिंग से आते हो तो आप दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, ये सारे आईटी में काम कर सकते हैं। आप भी आईटी में काम कर सकते हो बट इनके से थोड़ा आपको बाद में प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप मैकेनिकल से तो फिर आपको मैकेनिकल में ही रहना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है कि इनकी जॉब्स नहीं है, इनकी भी काफी जॉब्स है। अब ये हो गई इंजीनियरिंग। अब इसके बाद है ना दो चीजें और आती है, वो होती है बी फार्मा, बी फार्म, एम फार्म। बी फार्म में बेसिक ट्वेल्थ के बाद कोई भी एंट्रेंस जी तो यूज नहीं होती, सीईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें बायोलॉजी भी होती है, अगर आप हम लोग उसको उसमें सेकेंड पार्ट में देखेंगे जब हम एमबीबीएस और हमारा मेडिकल के बारे में देखेंगे। तो एमएचसीईटी में बायोलॉजी अगर आप देते हो, नहीं भी देते हो तो भी आप बी फार्म में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा होती है बीएससी। अगर मान लो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, ये ट्वेल्थ पढ़ा है और हमें ये नहीं पढ़ा, हमने एंट्रेंस नहीं दिया, हमको इंजीनियरिंग भी नहीं करनी, तो आपके लिए बीएससी तो ऑफकोर्स है ही। बीएससी में आप क्या करोगे, बीएससी आईटी कर सकते हो। बीएससी वो सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री होती है। अगर आपको मैं कंपैरिजन दूं तो बीएससी करके बाद उसका एमएससी करोगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू इंजीनियरिंग जितनी हो जाती है, बट वो 6 साल में होगा, ये 4 साल में होगा। बस इतना बेसिक डिफरेंस है। बीएससी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इसमें किसी में भी आप मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सब कुछ देख लिया, क्या होता है एंट्रेंस टेस्ट, इंजीनियरिंग 11 12th में क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बतानी चाहिए वो है फीस के बारे में। तो ये टोटल अगर आप इस कोर्स की लेंथ देखें तो ये 2 साल और ये करीब करीब 4 साल, तो टोटल 6 साल का ये होता है 10th के बाद। अब पहले इन 2 साल की फीस की बात कर रहे हो, तो यहां पर ना क्लासेस टू क्लासेस डिपेंड करता है, आप कैसी क्लासेस लेते हो उस पर आपकी फीस की रेंज करेगी। अगर आप कोई छोटी मोटी क्लासेस लेते हो तो आपकी फीस 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जितनी होगी, 3 लाख ज्यादा से छोटी मोटी क्लासेस में 3-3.5 से ज्यादा फीस नहीं होती। बट अगर आप कुछ फेमस क्लासेस के पास जाते हो, जैसे पेस हो गया, आकाश हो गया, एलएन हो गया, जो फेमस क्लासेस है ये सब एग्जाम्स के लिए, तो आपकी फीस करीब करीब 6-8 लाख तक जा सकती है, 5-8 लाख तक जा सकती है। स्कॉलरशिप रहती है उनकी, बट उसमें आपको इतना कुछ कंपनसेशन नहीं मिलता है, 50-60 हजार का ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो ये हो गया 11-12 की फीस की। तो अगर आप तो यहाँ पर अगर हम एवरेज पकड़े तो आपका यहाँ पे 3-4 लाख रुपया जाएगा। अब इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग में डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर आप मुंबई की बात करें, एट प्रेजेंट मुंबई की या महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की जो फीस होती है वो करीब करीब साल की 1.5 से 1,80,000-2 लाख तक फीस होती है। तो 1.5 से 2 आप पकड़ के चल सकते हो, मतलब आपका 4 साल का करीब होगा, 6-8 तक का हो सकता है। बट अगर आप बिट्स में जाते हो या कोई बड़ी इंस्टीट्यूट जैसे मणिपाल है, NMIMS है, उनकी फीस बहुत ज्यादा है। उनकी फीस 4 साल की करीब करीब 12 लाख से 16 लाख तक जाती है। बिट्स की तो जहां तक मुझे याद है 20 लाख तक भी जाती है। तो ये सारी कॉलेजेस बड़ी तो है बट इनकी फीस भी उतनी ज्यादा है। ऑन एन एवरेज अगर आप मुंबई या कोई भी इंडिया की कॉलेज से करते हो तो आपको साल का नहीं करके भी 1.5 से 2 के बीच में फीस भरना पड़ेगा। तो इसमें आपका 6-8 लाख तक जा सकते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग में एक खास बात है कि यहाँ पर थोड़ा कंपनसेशन का वैरायटी ज्यादा है, आपके पास पैसे कम करवाने के तरीके बहुत ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ से। तो यहाँ पे आप तो भी कर सकते हो बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉलेज वाले करते नहीं है क्योंकि उनके पैसे जाने वाले हैं, वो लोग थोड़ी तुमको करके देंगे। तो घूम फिर के साइंस अगर आप करते हो 12th से लेके इंजीनियरिंग की डिग्री तक आपका नहीं करके भी 10-12-14 लाख तक जा सकता है। थोड़ा कॉस्टलियर कोर्स है क्योंकि इसमें आगे वैरायटी भी और ऑप्शंस भी ज्यादा है। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वहां पर हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे।